रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। अब आपको ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे। कि तो हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे। हर वो हनुमान राप पर लंगोट मांडा करते, हमने कह देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहते थे जो कुछ दे नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते हैं? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहाँ काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार देह है, इनको प्रेरणा देता है भाई भक्ति करनी चाहिए, क्यों ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़प उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भर है कोनी, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम इंगड़ाई लेती है आत्मा, अको वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है। और हम राज चाह रहे हैं, कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डड़े ढो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, इन पर डड़े डुआव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे भाई, परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं, जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे नहीं बोला भाई अब मैंने जीत ली सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जाए, और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था जैतने इसके इसकी अब जो स्थिति में यू खड़ा है, और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे हनुमान, यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल सिद्धि से, ये इनकी जो हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहे, आने बोला बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कह तू था भाई कितने कह देगा विष्णु जी आदि किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी वीरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा बेटा ठीक है तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी, अब वहाँ तो कह दिया अच्छा जी पहुँचा, बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को नू कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उस सन खोल लगा, यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो, कैसे आए बच्चा?
अब जी मैं साधना करके आया हूँ, कहा मुझे पता चला था भक्ति करने गए हुए। हाँ जी, और बहुत अच्छा, आपने क्या उपलब्धि की? कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम कर्तव्य तो यही होता है, इसमें विकारों विजय पाओ। अब जब तो नारद जी तो कह के आ गया, रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा, फिर पाछे तक काल ना प्रेरणा कर दी, उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लग गए सारे, अरे बालक बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि? तो इसने विष्णु में वर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूँ। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय, 16 कला के भगवान है ये, और वहाँ पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर, दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी, अपने पसंद का, माँ बाप के सिर से उलाना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, अरब्या के गीत बहुत बुंडे हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए, सारे श्रृंगार करके औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है, वहाँ बताया नागरिकों ने कि भी यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी के भी उठी अंगड़ाई, उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बुंडी बात से, पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े हैं, पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यह लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भी तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जाकर के एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, कहा भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज मुझे, मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ, अग्ना वचनबद्ध हो जाओ हो गया, आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है, विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया इवे, और वो आ गया स्वयंवर में, स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जज के कुर्सी पे, अब लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम, अब वो लड़की उसे आगे गुजर गई, आगे निकल गई, उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे, अब वहाँ से उठ के खाली कुर्सी और थी वहाँ जा बैठा, अकी भी दर्शे आओगी जब दिखूँगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के, अकुआ सकल उसके डूडर लागे कहते मार दें तू रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी, उसके पास में एक बैठा था नोबला भगत, अपनी शकल देख, वो शीशा दिखा उसने, पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शकल देख करा, तू क्या हमने डर लागे न रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगे तेरे थे। जब उसने देखा तसला अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो यो। इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए, उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी विष्णु के, तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता,
तो किसी को बस्ता देकर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगाया है, और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूं, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अपने आत्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर कह गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया, वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये तीन ताप होते हैं, इन तीन तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे, कोई गाल गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान तीन ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो तीन ताप का नाश भी कर सकता है, आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ, 12 वर्ष वो रही वहाँ रावण के बाग में, युद्ध करके मार मुड़ के रावण को वापस लाए, 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों, सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा के जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा, श्री कृष्ण रूप में आए वही, और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना ये तीनू तापम। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।